आज सिम्बोसिस में और कौसा म्यूनसिपल स्कूल के अंदर दोनों के एजुकेशन में क्या फ़र्क है? तो पेरेंट्स से कहता मुश्ताक भाई कि शमीम भाई, अल्लाह का एहसान है कि बहुत बेहतरीन तालीम होती है हमें वहाँ पे। देखिए, तालीम अच्छी तो कालशेखर कॉलेज में भी होती है, मुश्ताक भाई मौजूद हैं, अब्दुल्ला पटेल में भी होती है, असदुल्ला खान सर भी बहुत अच्छा तालीम बच्चों की देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मिनिमम फीस के अंदर, नदीम सर कितनी फीस यहाँ पे? फीस ही नहीं है, एक रुपए का चार्ज नहीं है, सॉरी, अटेंडेंस का, हाँ, मतलब कोई चार्ज ही नहीं है। बहुत अच्छा लगा सुनते हुए नदीम भाई के मुँह से ये अल्फाज कि उनकी वही चार्ज है जो उनके लिए किताब कॉपी खरीदना पड़ता है, नहीं, वो भी नहीं है। सुनिए सुनिए आदिल भाई, मुझे पता है इसके बारे में, लेकिन ये बात मुझे नदीम भाई से कहलवाना था। खैर कि गाइड में आप सबका स्वागत है, मैं हनीफ शेख फिर एक नई वीडियो के साथ में आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। जी हाँ, आज हम खड़े हैं टीएमसी शिमला पार्क के, जो टीएमसी एमएम वैली के अंदर जो है वहाँ पर खड़े हुए, जो उर्दू स्कूल, मराठी स्कूल सब कुछ है वहाँ पर। और आज वहाँ पर एजुकेशन के बारे में क्या क्या बात हुई और किस तरीके से जफर नुमानी साहब ने और कलवा मुमरा अध्यक्ष शमीम खान ने स्कूल में उन्होंने एक कंप्यूटर गिफ्ट किया और उसके बाद में उनसे बात किया, उन्होंने एजुकेशन के बारे में, उसके बाद में जो बच्चे दूर दूर से वहाँ पर आते हैं और बसों को लेकर उन्होंने जो बच्चे वहाँ पर स्कूल में आते हैं उन बच्चों के लिए एक सुविधा बसों की जो फ्री हो वो भी, उसके लिए भी उन्होंने बात की। और उसके बाद में जफर नुमानी से बात किया गया, उनसे उन्होंने क्या कहा ये हम आपको बता रहे हैं टीएमसी स्कूल के। आज हम लोग इस वक्त कौसा के टीएमसी स्कूल में खड़े हुए हैं, जिसको थाने महानगर पालिका की जानिब से बनाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छा एजुकेशन हमारे बच्चों को मिलता है। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र भाट साहब को, जिसमें इनका काफ़ी बड़ा योगदान है, बड़ा रोल है इसको डेवलपमेंट करवाने में, करने में, और हमारे थाने महानगर पालिका के कमिश्नर साहब का, आयुक्त महोदय का, और ख़ास करके मेरे बहुत अच्छे दोस्त और थाने महानगर पालिका से जब भी कोई ज़रूरत पड़ी है मुमरा कौसा को, हर साना बशाना खड़े हो रहने वाले मनीष जोशी साहब, जिन्होंने इस स्कूल को, मुझे आज भी याद है मुश्ताक कपड़िया साहब कि मनीष जोशी साहब ने यहाँ पे सचिन तेंदुलकर साहब को भी लेकर के आए थे, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जोशी साहब का भी। और ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अभी फ़िलहाल कुछ ही गुज़िश्ता दिनों के पहले हमारी एक बच्ची जिसका नाम है हसीबा शेख, जो 605 नीड के एग्ज़ाम में रिजल्ट लेकर के आई, यानी नदीम सर वाकई में पूरे टीचर्स, हमारे जितने भी स्टाफ यहाँ के हैं सबको मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज एक छोटा सा तोहफा हम आपको दे रहे हैं, उसे आप कबूल फरमाएं। आप कहीं ना कहीं आपने शुएब भाई से कहा था कि यहाँ पे इसकी ज़रूरत है, तो ऐसे ही जब भी कोई ज़रूरत रहे आप बताएं, इंशाल्लाह ताला हमेशा हम लोग आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज अभी मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि यहाँ पे 72 टीचर्स की कमी है, जितने स्टूडेंट्स हैं मुश्ताक कपड़िया साहब, तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से, खास करके मैं कहना चाहता हूँ हमारे आयुक्त महोदय साहब से, हमारे मनीष जोशी साहब से, कि सर आपने मुमरा कौसा को बहुत अच्छा सवारा है इस डेवलपमेंट के अंदर, हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र दवार साहब के साथ साथ आपका भी बड़ा योगदान है। सर आप मुमरा कौसा के इस टीएमसी स्कूल के लिए 72 टीचर्स की जो कमी है उसको आप पूरा दें, तो हमारे बच्चों को और अच्छा एजुकेशन मिलेगा।
साथ साथ में आपने ये भी कहा कि बच्चों को आने जाने के लिए मुमरा से और कल्याण फाटा से कहीं ना कहीं बसेस नहीं हैं, तो मैं TMT का मेंबर होने के नाते ये जिम्मेदारी लेता हूं कि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हमारी सभागृह के अंदर मैं बात को रखूंगा और इंशाल्लाह ताला आपके अपने ये स्कूल के लिए मैं बस का भी इंतज़ाम कराऊंगा। मुश्ताक कपाड़िया साहब ने अभी एक बात कहा, बहुत खुशी हुई मुझे, मुश्ताक भाई की सोच खाली मुमरा कौसा में शुरू और ख़त्म नहीं हो जाती है, उनकी सोच अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह के लिए होती जहाँ किसी की बात की ज़रूरत हो। उन्होंने कहा कि भाई उत्तर शिव में भी काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह गरीब बस्तियों के लोग रहते हैं, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं उत्तर शिव से लेकर के कल्याण फाटा तक भी एक कोई ना कोई TMC महानगर पालिका का स्कूल होना चाहिए उर्दू मीडियम की। मैं इसकी भी मांग करता हूँ कमिश्नर साहब से और हमारे आयुक्त महोदय साहब से, मनीष जोशी साहब से, कि सर प्लीज़ इसको भी आप पूरा करें और मैं ये लेटर भी दूँगा और मैं ये सब बातें मेरे नेता डॉक्टर जितेंद्र दवार साहब से कहूँगा, मैं ये सब बातें भाई साहब से भी रखूँगा कि आप लोग इस पे ध्यान दें और इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद दिलाता हूँ आपके आज के इस मीटिंग में कि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इस काम का अंजाम होगा अल्लाह ने चाहा तो। अस्सलाम वालेकुम सर, लोगों का ना एक जहन बना हुआ है, म्यूनसिपालिटी स्कूल और म्यूनसिपालिटी हॉस्पिटल, लोग ये समझते हैं कि वहाँ पर बेहतरीन तालीम और बेहतरीन इलाज नहीं होता, लेकिन ये गलत फहमी के लोग शिकार हैं। मैं आपको बता दूँ कि जितना बेहतरीन इलाज महानगर पालिका के हॉस्पिटल में होता है उतना बेहतरीन इलाज सरकार प्राइवेट हॉस्पिटलों में नहीं होता। ये लोगों को अपनी जहन को चेंज करना पड़ेगा। और देखिए बेहतरीन एजुकेशन है यहाँ महानगर पालिका की, लेकिन एक जहन बना हुआ है, लोग फिर उसके बाद जहन बनाने के बाद एक फ्री तालीम है, फ्री तालीम को नहीं लेते हुए दूसरे अदर स्कूलों में जाते हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, चार्जेस भी ज़्यादा है, फिर परेशान होते हैं कि सर हमारा फीस का बंदोबस्त करा दीजिए। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि महानगर पालिका में अपने बच्चों को पढ़ाएँ। देखिए जब बड़े लोगों के बच्चे, देखिए मैं एक अपील करना चाहता हूँ, शहर के बड़े लोगों के बच्चे, अच्छे लोगों के बच्चे जब इस स्कूल में आएंगे तो लोग ज़्यादा इसकी तरफ मुतवज्जह होंगे, ध्यान देंगे। और तीसरी बात एक और बता दूँ, जब लॉकडाउन लगा था तो शहर में अगर जो पहला मुद्दा मैंने डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब भाई साहब शमीम खान साहब की क़यादत में मैंने जो फीस का मुद्दा उठाया था, मुमरा शहर में सबसे पहला फीस का 3 महीने की फीस का मुद्दा उठाने वाला मैंने खुद जाकर के मुलाकात की, लेटर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे स्कूलों ने 3 महीने की फीस को माफ़ किया। उसके बाद अभी क्या हो रहा था कि जो लोग एजुकेशन के नाम पर बच्चों की फीस बैलेंस थी जो लॉकडाउन की वजह से, उनका रिजल्ट नहीं दे रहे थे, मैंने जाकर के वर्षा गायकवाड़ मैडम को लेटर दिया था। लेटर देने के बाद मैंने कहा कि जिनकी फीसें पेंडिंग हैं उनके बच्चों को आगे तालीम दी जाए। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, शहर के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें, लोग इस पर ध्यान दें, महानगर पालिका का स्कूल है उसमें आएँ, तालीम हासिल करें। महानगर पालिका का मौलाना हकीम अजमल साहब के नाम पर एक हॉस्पिटल कायम हो गया, वहाँ पर जाएँ अपना इलाज कराएँ, और जो शहर के लोग आपस में एक दूसरे के खिलाफ गलत फहमियाँ पैदा करें इसको दूर करें।